नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंजी ढोकला गिलास के शेप में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमने एक कटोरा बेसन लिए हैं और एक कटोरा से कम आधा कटोरी हमने सूजी लिए हैं और एक कटोरी हम दही लिए हैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। कंटेनर ले रहे हैं, इसमें हम बेसन डाल दे रहे हैं, सूजी, दही डाल दिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें हम हल्का नींबू भी डाल दे रहे हैं, आधा नींबू है इनका भी, इस भी रस डाल दे रहे हैं, नींबू का रस। अब हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। पहले दही को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अगर हम इसमें एक ही बार पानी डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा चीनी डाल दे रहे हैं। एक चम्मच चीनी डाले हैं। इसमें हम सूजी डाले हैं तो इसीलिए हम इसको फूलने के लिए रख दे रहे हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे रख दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसे, अभी इसको हम 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। 10 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इस पे हल्का थोड़ा तड़का लगा दे रहे हैं सरसों का। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है हम इसमें इनो डाल दे रहे हैं। देखिए इनो डाल देते हैं। एक पैकेट इनो डाल दिए हम, इसे मिक्स कर ले रहे हैं। देख ही सकते हैं सरसों हो गया है, इसका सरसों का इसका तड़का लगा दे रहे हैं। सिर्फ तेल और सरसों का किए हैं और कुछ और नहीं डाले हैं। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर दे रहे हैं। इसे साइड कर दे रहे हैं। अब हम गिलास ले रहे हैं क्योंकि हम गिलास के शेप में ढोकला बना रहे हैं। गिलास में हम थोड़ा तेल डालेंगे, इसे अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे हाथ से। अच्छी तरह से मिला लेना है। इसी तरह से हम सारे गिलास में कर लेते हैं।
देख सकते हैं अब ये जो हम पेस्ट बना है गिलास में हम डाल दे रहे हैं। गिलास को हमें भरना नहीं है, थोड़ा कम ही डालना है। ये फूलेगा भी इसीलिए हमें आधा गिलास ही डालना है। हम गिलास में डाल दिए हैं, अब हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे, पानी गर्म हो गया है। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। पानी गर्म हो गया, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पानी में उबाल आ गया है। अब ये सब गिलास को हम इसमें डाल दे रहे हैं, उसमें हम पानी डाले, उसमें एक प्लेट डाल दिए, आप देख सकते हैं प्लेट डाला हुआ है। अब प्लेट के ऊपर हम गिलास को डाल दे रहे हैं, देख सकते हैं आप ऐसे गिलास डाल देंगे, ऐसे ऊपर से अच्छी तरह से ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। 5 मिनट के लिए गैस को हम फुल करके रखेंगे, फुल फ्लेम पे 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट पे के बाद हम गैस को कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे। अब 10-15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। 10-15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देख ले मेरा गिलास ढोकला बना है या नहीं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, आप चाकू या टूथपिक किसी भी चीज से चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करके देख ले, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है, तो मतलब मेरा ढोकला बन के तैयार है। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और ढोकला को तो ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे। ढोकला ठंडा हो गया है, हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चाकू की मदद से हम इसे हल्का हल्का फ्री कर देंगे, आप देख सकते हैं इसे फ्री कर दिए हैं, अब इसे हम निकालते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल नहीं टूटा है, एकदम सॉलिड गिलास ढोकला बनके तैयार है, देख सकते हैं। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, बाकी ढोकले को भी निकाल लेते हैं। इस तरह से आप ढोकला बनाइएगा, आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा, अच्छी तरह से निकल जाएगा। अच्छी तरह से फ्री कर दे, आप देख सकते हैं हम सारे ढोकले निकाल लिए हैं, एक भी ढोकला नहीं टूटा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब निकल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इस पे हल्का सा तड़का लगा देते हैं, अभी थोड़ा सादा सादा लग रहा है, इस पे हम तड़का लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई गर्म होने रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल भी हम उसमें डाल दिए हैं, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब आइए तड़का लगाते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों डाल दे रहे हैं। इसमें मिर्ची डाल दे रहे हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, करी पत्ता भी डाल दे रहे हैं, एक चम्मच चीनी डाल रहे हैं, आप चाहे तो चीनी नहीं भी डाल सकते हैं। हल्का सा नमक भी डाल रहे हैं, ये चीनी डालने से होता है खट्टा मीठा टेस्ट आता है, आप चीनी नहीं भी डाल सकते। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से पिघल गया है, उबाल आ रहा है। अब हम बंद कर दे रहे हैं, मेरा तड़का तैयार है। अब हम इस पिन पे ढोकला पे तड़का लगा देते हैं। अब इस पे हम ये थोड़ा थोड़ा सा इस पे डाल देंगे, इसे करके इससे ये होगा, इसमें ढोकला आपको मीठा भी लगेगा और नमकीन भी लगेगा।
इस तरह से ढोकला बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए तड़का लगा दिए, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। देख सकते हैं ढोकला बन के तैयार है। हम आपको एक ढोकला को कट करके भी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। इस तरह से आप कट कर ले, देख सकते हैं कितना अच्छा ढोकला बन के तैयार हुआ है। अब देखिए कितना स्पंजी बना, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ढोकला बन के तैयार हुआ है। इस पे भी हम हल्का सा तड़का लगा दे रहे हैं, ये देखिए ढोकला बन के तैयार है। इस तरह से आप ढोकला बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ढोकला बना। आप देखें इतना स्पंजी ढोकला बना है, एक भी ढोकला गिलास में नहीं चिपका, अच्छी तरीके से गिलास से निकल गया है। आप इस तरह से ढोकला बना के जरूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, ये रेसिपी जो हम बना के डालते हैं ये आपको कैसा लगा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।